वेलकम बैक स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। लेट्स सी क्लास सिक्स साइंस चैप्टर थर्ड लेक्चर टू। टॉपिक इज फाइबर। इन प्रीवियस लेक्चर यू स्टडी दैट इज योर लेसन फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, आपका लेसन क्या है? फाइबर टू फैब्रिक, मतलब फाइबर से फैब्रिक कपड़े कैसे बने। ठीक है ना, फाइबर मीन्स रेशे और फैब्रिक मीन्स कपड़े। तो वो रेशे से कपड़े कैसे बनते हैं इसके बारे में हम इस लेसन में समझेंगे, पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि जो ये फाइबर्स और ये जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, कैसे किस रूप में पाए जाते हैं। और सेकेंड लेक्चर में हम देखेंगे फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए व्हाट इज फाइबर। सबसे पहले व्हाट इज फाइबर, फाइबर क्या है? द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, थ्रेड मीन्स धागे, ठीक है। तो उस थ्रेड में से जो थिन स्ट्रैंड, धागे में से बहुत ही पतला एक जो एक रेशा निकलेगा, दैट वी सी आर मेड ऑफ थिनर स्ट्रैंड, जो कि बहुत ही महीन थिनर स्ट्रैंड से मिलके बना होता है, एंड कॉल्ड फाइबर्स। उसको क्या कहते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स मीन्स रेशे। आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो फाइबर सब किसको कहते हैं? जो रेशे होते हैं, ठीक है ना, रेशे जो आप धागे में देखेंगे बहुत महीन महीन उसमें से निकला होता है, तो बहुत ही थिनर होता है स्ट्रैंड। अब देखिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल, यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा जब यू ट्राई टू थ्रेड, जब आप निडिल में सुई में धागे डालते हैं, तब आपने देखा होगा कि आगे की तरफ से बहुत सारे महीन महीन रेशे निकले होते हैं, जिसके कारण निडिल में धागा जाता नहीं, तो आप उसको फिर एक सही करते हैं तो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। द एंड ऑफ द थ्रेड, थ्रेड का, धागे का जो लास्ट एंड होता है वो एंड सेपरेटेड हो जाता है, फैल जाता है इनटू फ्यू थिन, बहुत सारे छोटे छोटे महीन रेशे, थिन स्ट्रैंड्स। This makes it difficult to pass the thread. और ये जो है difficult बनाता है to pass the thread through needle. Needle में धागे डालने में ये difficult बनाता है, नहीं जाता है, ठीक है। Fabrics are made up of yarns. ठीक है, fabric are made up. Fabric means कपड़े। कपड़े किससे बनते हैं? Yarns से, धागे से। यार्न मीन्स धागे। तो कपड़े किससे बनते हैं? मेड ऑफ यार्न, धागे से। और यार्न आर फर्दर मेड बाय फाइबर। और यार्न, धागे कैसे बनते हैं? फाइबर्स। तो छोटे छोटे रेशों फाइबर्स को मिला के बनता है यार्न, ठीक है ना, थ्रेड। और फिर वो यार्न से बनता है क्लोथ्स, फैब्रिक। चलिए अब देखिए इसको हम समझते हैं बाय एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी से हम समझते हैं, टेक आउट यार्न बाय कॉटन फैब्रिक, किसी कॉटन कपड़े से आप उसमें से एक धागा निकालिए।
नाउ प्रेस वन एंड ऑफ यार्न बाय फिंगर, अब उस यार्न को धागे को वन एंड एक लास्ट एंड धागे का जो एंड है उसको आप स्क्रैच करिए फिंगर से, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न, ठीक है ना, फिंगर से आप उसको स्क्रैच करिए विद योर हैंड नेल्स. क्या देखते हैं आप, यू सी दैट द यार्न इज स्प्लिट, यार्न जो धागा है वो स्प्लिट हो जाता है. जैसे मान लीजिए ये धागा है तो ये आगे की तरफ स्प्लिट हो जाता है. आगे की तरफ ऐसे स्प्लिट हो जाता है, फैल जाता है रेशेस, अब इनटू थिन स्ट्रैंड, सो मेनी थिन स्ट्रैंड्स, दीस थिन स्ट्रैंड्स आर फाइबर. ये सभी थिन स्ट्रैंड्स क्या है, फाइबर बाय विच मेड द यार्न, जिससे कि यार्न बनते हैं. दैट इज व्हाट फाइबर्स, ये सभी फाइबर्स हैं. ये धागा है, धागे का जो एंड है स्क्रैच करेंगे तो उसमें से सो मेनी फाइबर्स फैल जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है. इससे हम ये पता चलता है कि फाइबर से मिल के बना है थ्रेड और बहुत सारे थ्रेड से मिल के बना है क्लोथ्स फैब्रिक, ठीक है. तो आज आपने देखा व्हाट इज फाइबर एंड हाउ वी मेड क्लोथ्स फ्रॉम द फाइबर. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.